योगी के बुलडोजर से नहीं बचेंगे भाजपा के भी दबंग। यूपी से दबंगों और अपराधियों का सफाया करके ही रुकेंगे योगी। योगी के इरादे एकदम साफ, गड़बड़ी करने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ना रसूख काम आएगा ना ही पहुंच, गड़बड़ी की तो गड़गड़ाएगा बाबा का बुलडोजर। सीएम योगी के उस ऐलान को याद कीजिए जिसमें यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि गुनाह कैसा भी हो और गुनहगार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। फिर वो चाहे किसी विरोधी दल से हो, सत्ताधारी पार्टी से हो या फिर आम पब्लिक के बीच का हो, योगी का बुलडोजर न चेहरा देखेगा, न रसूख, न ही ऊपरी पहुंच। अब ये तस्वीर देखिए, सीएम योगी के बुलडोजर नीति पर पिछले दिनों देश भर में कई तरह के सवाल उठे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बाबा का बुलडोजर विशेष लोगों को निशाना बना रहा है, जिसे लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई थी। हालांकि यूपी के हाकिम का ये बुलडोजर तब भी नहीं रुका, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इरादे साफ थे। बुलडोजर के निशाने पर अपराधी, भ्रष्टाचारी, दबंग और माफिया थे। पिछले दिनों आप सब ने बीजेपी के कथित गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर की मार देखी थी, तो वहीं अब ये बुलडोजर वाराणसी के वरुणा एनक्लेव सोसाइटी में रहने वाले बीजेपी नेता की प्रॉपर्टी को धराशायी कर रहा है। आरोप है कि बीजेपी नेता अखंड प्रताप सिंह पिछले 25 सालों से वरुणा अपार्टमेंट की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठा था, जिसकी शिकायत पिछले दिनों सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने भी किया था। महिलाओं का आरोप तो ये भी है कि अखंड प्रताप सिंह सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं का पीछा करवाता है, लोगों को मारने पीटने की धमकी देता है। अखंड प्रताप सिंह की दबंगई और उसकी हनक का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जैसे ही भारी पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जे को हटाने के लिए बाबा का बुलडोजर पहुंचा, तो वरुणा इनक्लेव में रहने वाली महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाने लगी। महिलाओं ने इसे सच की जीत बताई। आज बुलडोजर चला है, सत्य का जीत तो हमेशा होता ही है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की गुंडागर्दी या अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ही रहते हैं, और इन्होंने बहुत सारी कार्रवाई इस तरह की है, और आज यहाँ भी ये कार्रवाई करके हम लोगों का सिर ऊंचा कर दिए हैं। इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारी प्रवक्ता रीता सिंह वो भी हम लोगों को इतना प्रोत्साहित की कि महिलाएं आप लोग एकदम हिम्मत मत हारिएगा, आप लोगों की जीत तय है। और हमारे पुलिस प्रशासन, यूपी पुलिस प्रशासन, बनारस एवं लखनऊ पुलिस, हम लोगों का बहुत सहायता किया है, जिससे कि आज हमारी जीत हुई है। बीजेपी नेता की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला तो ये बात साफ हो गई कि बाबा का बुलडोजर अब उन रंगे सियारों को भी कतई नहीं बख्शने वाला है जो भगवा चोला ओढ़कर अपनी रसूख और हनक जमाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।